तो कयामत तक धरना देकर बैठ एक किस्मत, मैं कोशिशों से कभी इस्तीफा नहीं दूं। वाह। So I remember I had given around 250 auditions in 3 months. Trunk. Trunk. Truck. मुझे एक्चुअली पंकज त्रिपाठी जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा था क्या होता है खाना जब बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कितनी मात्राओं में कितना खाना डालना है। ऐसी एक्टिंग होती है, कितनी मात्राओं में कितने सुरों में आपको एक्टिंग कर रही है ये आपको वहां से समझना आता है। मेरा पर्सनल मानना है, शायद बहुतों को बुरा लगे, कि अगर आप किसी से प्यार करो तो 70% करो, कभी भी 100 या 200% मत करो, 110% मत करो। टपोरी वांटेड, डबोटी वांटेड। When you're not sure about plan A, that's when you have plan B. आजकल तो TikTok ही सिखा रहा है सब कुछ। Acting classes करने की जरूरत नहीं है भाई। The real man hero. तेरी माँ की। Say it again. The real man hero. Hi guys, I'm Shakti Arora. And I would like to introduce right now the most handsome man on television right now, Himanshu Malhotra. Please. Oh my welcome. God, this was not meant to be like this, yaar. How sweet is that? Thank you so much. Guys, this is Shakti Arora. I think I don't need to introduce him anymore. He is somebody, a very close friend. He is somebody who is really a charming actor with his beautiful smile now. And he has done various numerous shows and I really loved your performance in Silsila. Thank you. I think it's one of his best performance, I feel. He was also, I'm sure you must have seen him as Ranveer in Meri Aashiqui Tum. That is one of the most popular shows where he garnered his appreciation. Thank you so much for coming here. Coming back to this slate, सबसे पहले. Yes. Oh my God. ये slate तो मुझे याद ही हो दिलाओ, because मतलब मैंने इतने auditions दिए हैं ना मैंने. First of all, I had Sunny सबसे पहले. बजाज Sunny scooter. So I used to go in that and give auditions. From where to where? कहाँ से कहाँ तक? अंधेरी में रहता था मैं. अंधेरी से अपने वही लोखंड वाला और सुजीत. आसपास आराम नगर और you know all that. पूरा hub है जो. वहीं पे जाता था मैं auditions देने के लिए. फिर वो भी मैं मतलब 1 किलोमीटर दूर पार्क करता था मैं. ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर दूर पार्क करता था. देन आई स्टूड को, बिकॉज मुझे शर्म आती थी कि मैं इसमें सनी में जाऊंगा तो कैसे. फिर देन कुछ दाल निकल रही थी तो मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया. कॉल सेंटर में मैंने 1-1.5 साल काम किया, थोड़े से पैसे जमा किए, फिर मैंने सीबीसी बाइक खरीदी. अच्छा, ओके. तो फिर उसमें फिर मैं शान और शौकत से मैं जाने लगा सीबीसी बाइक. फिर मैं दिन के 5-5, 6-6 ऑडिशन देता था. 5-5, 6-6 टू मच यार. राइट. मतलब ऐसे अंदर फायर था कि मुझे करना ही करना है, बिकॉज मोस्टली क्या होता है जो बाहर से आते हैं उनके अंदर ऑलरेडी एक ड्राइव होता है, क्योंकि उनको घर चलाना होता है, सर्वाइव करना होता है. मेरे को तो कोई घर चलाना नहीं था, बिकॉज आई एम फ्रॉम बॉम्बे इटसेल्फ. अच्छा, बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन बॉम्बे. बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन बॉम्बे. सो आई एम जस्ट रिलैक्स्ड. सो जब मेरी बत्ती जली तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे देने पड़ेंगे ऑडिशंस एंड आई हैव टू. दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस, 5-6 ऑडिशंस इन अ डे. एक जगह पे नंबर लगाता था, फिर मेरे फ्रेंड को बोलता था तू वहां पे जा पे नंबर लगा, तीसरी जगह पे मैं तेरा नंबर लगा दूंगा. सो दैट्स हाउ वी यूज्ड टू, आई यूज्ड टू गिव 6-6 ऑडिशंस. बट देन आई रियलाइज्ड कि बाइक पे घूमने से मेरी हालत इतनी खराब हो जाती थी, जो मेकअप किया वो भी निकल जाता था, हेयर स्टाइल खराब हो जाता था. सो ऑब्वियसली जब तक अब मैं कैमरा के सामने पहुंचू तो मेरी हालत इतनी खराब होती थी कि कोई कास्ट नहीं करता था. So I remember I had given around 250 auditions in 3 months, shortlisted in around 10, okay. And out of which selected in none. Selected in none? None. Oh. That day but I decided that I don't want to give auditions. मैंने कहा भाड़ में के audition, भाड़ में के acting career, मैं कुछ करूँगा ही नहीं. अब काम आना है तो अपने आप आएगा. फिर मेरे ख्याल से भगवान भी थोड़ा सा लगा के तो बोला, मैंने कहा मेहनत हो गई, इतनी सारी बच्चे को दे देते यार. But 250 auditions in 3 months, बहुत ज्यादा यार. That is really, मतलब इतना तो मैंने भी नहीं दिया यार कभी. तो ये एक phase था मेरी life का, जहाँ मैंने मतलब भरपूर मतलब मैं पीछे लग गया था कि किस्मत के अगेंस्ट कि मुझे करना ही करना है. और उसके बाद विदाउट ऑडिशन आई गॉट अ शो. यू गॉट अ शो. व्हिच वाज दैट शो? दैट वाज संस्कार लक्ष्मी. इस स्लेट की जो अहमियत है वो हमेशा रहेगी मुझे लगता है. मैं अभी भी करता हूँ ये. अच्छा, इवन आई डू दैट एज वेल. But you knew that ki I would relate to this because yeah, because you and me have yeah, I mean yeah, yeah. Jojo especially you know hamara birth television se hua hai to mujhe tha ye to hum relate karenge karenge. That's why mere ek philosophy hai Manchu. Usse shayari ke andaaz mein main kehna chahunga. Zarur. Tu qayamat tak dharna dekar baith ae kismat. Tu qayamat tak dharna dekar baith ae kismat. Main koshishon se kabhi istifa nahi dunga. Wah. वाह वाह. अगर ये फिलॉसफी होगी आपकी तो आप कभी भी लाइफ में आप बस जाते रहो. मैं कोशिशों से कभी इस्तीफा नहीं दूंगा. बट मुझे एक बात जाननी, यू सेड कि बिकॉज यू बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे और आपको बिल्स नहीं देने, तो ये फिर ड्राइव अचानक से आया कैसे? 3 महीने में 250 ऑडिशंस तो यार हम लोग भी नहीं देते जो बाहर से आए. तो फिर ये ड्राइव अचानक से कैसे आया? ये कुछ ऐसे कुछ लाइफ में मेरे ऐसे इंस्टेंस हुआ था जिसकी वजह से मुझे काफी धक्का लगा था और मुझे एक रियलिटी चेक मिला था. तो वो रियलिटी चेक की वजह से आई वॉन्टेड टू प्रूव सम पीपल
And I wanted to prove myself also. Can I ask you what exactly happened? It's okay, let it be. That's okay. We don't want to make you uncomfortable. Yeah, yeah. But yeah, but I'm glad. Actually, my grandfather is in this industry. His name is Chandrasekhar and he's a veteran actor. Okay. Right now, he's 97 years. He has acted in several films in his era. He launched himself in a film called Cha Cha Cha. And in that era, it was really famous. And then several films he did after that, like Sharabi with Amitabh Bachchan. So that is why I got the skid of getting into the acting field. Acting, huh? Later on, that probably he thought that it's not my cup of tea and I should, you know, venture into studies and, you know, do MBA. Conventional have jump a secure job, basically. Secure job. मेरा भी वही मानना है कि secure job होना जरूरी है. आज के तारीख में अगर मुझे कोई बोले industry में घुसने के लिए तो मैं कभी ना घुसूं. Because this is a very uncertain profession. You it know is an uncertain profession. Sometimes you are here, sometimes you are here. In terms of money as well. So he told me several times not to get into this industry, but still I was adamant that I wanted to. Then after a point, I realized that I have to make my own path because he is from the industry. He could have helped me, but his age was also as such ki matlab wo almost 80 ho chuke the. हाँ तो फिर मुश्किल है ना उनके लिए भी. तो जो उनके जो contacts थे वो सब चले भी गए थे ऊपर. अच्छा, I understand. कि जितने भी थे उम्र भी तो है. हाँ तो मुझे realize हो गया कि मुझे खुद को ही अपना पाथ काफ करना पड़ेगा. बिकॉज़ पहले तो मैं सोच रहा था कि यार मतलब एक्टिंग विल बी अ वेरी पीस ऑफ केक फॉर मी बिकॉज़ मेरे नाना जी तो ये हैं. करेक्ट. हां तो उससे बारिश लगा देंगे. शाहरुख खान बन जाऊंगा, मुझे ये सब सीरियल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. फिर जब मैं जो पापड़ बेले तब मुझे समझ में आया कि आपको जब अगर काम मिलता है तो आपके परफॉर्मेंस की वजह से मिलता है, ना कि आपका क्या बैकग्राउंड उसकी वजह से मिलता है. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड इंप्रूविंग माय क्राफ्ट. बट ये एडमेंट क्यों था शक्ति एक्टर बनने के लिए? आई आस्क यू. एक्चुअली मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था. ओके. And I never wanted to have plan B. What is your philosophy of plan A, plan B? Because it's बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि, but एक चीज़ बड़ी कमाल की है. You were see, when you're not sure about plan A, that's when you have plan B. But when I'm sure about my plan A, why do I have to need? But then just tell me, plan A is acting, right? Right. And acting is also insecurity. Acting does not give you security and stability. फिर ये कैसे handle करते हो? इस balance को कैसे maintain करते हो? मेरे लिए ना creative satisfaction comes here. अच्छा. More than money or anything. हाँ, that's the point then. So मेरी प्रायोरिटी सेट है लाइफ में, उसूल सेट है. इधर आई विल वर्क फॉर क्रिएटर सेटिस्फैक्शन और इधर आई विल वर्क फॉर मनी. इफ आई एम वर्किंग फॉर मनी, आई विल केयर अ डैम अबाउट योर प्रोडक्शन हाउस, योर स्क्रिप्ट और एनीथिंग. आई विल डू व्हाटएवर यू नो यू वांट मी टू डू. लाइक इन मेरी आशिकी आई गॉट पीनट्स. आई एम श्योर पीनट्स के भी छिलके मिले. अच्छा. बट आई न्यू कि मेरी एक होर्डिंग लगेगी ना 5 लाख की तो मेरा पैसा उसी में वसूल हो जाएगा. सही बात है. एब्सोल्युटली. सो लेट्स नॉट थिंक अबाउट मनी. सही बात. सो आई डिडंट अर्न एनीथिंग इन मेरी आशिकी. इन दैट शो. हार्डली एनीथिंग. बट बिकॉज़ ऑफ मेरी आशिकी आई मेड माय हाउस एंड आई गॉट माय कार एवरीथिंग. एब्सोल्युटली. यस. सो दैट शो इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट शो. या या या. इज दैट अ गेम चेंजिंग शो इन योर लाइफ? यस, इट वाज अ गेम चेंजिंग शो. एंड सिलसिला वाज स्मूथ सेलिंग फॉर मी. सिलसिला तक आई थिंक यू हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ. बट फिर भी मुझे लगता है मैं मेरी आशिकी में बहुत फिल्मी था मैं. अच्छा. ओके. एज फार एज परफॉर्मेंस इज कंसर्न. बट बिकॉज़ द कैरेक्टर वाज वेरी फिल्मी एक्चुअली. मतलब ही यूज्ड टू टॉक इन यू नो थर्ड पार्टी सेंस. मतलब सो दिस गाय वाज मच वेरी मच रिलेटेबल. या इट वाज अ ब्यूटीफुल रोल. इट वाज अ ब्यूटीफुल शो. बट लेट्स कम बैक टू मेरी आशिकी तुम से. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? कितने 2.5 साल 3 साल? एप्रोक्सीमेटली 2 साल. यार कैसे कर लेते हो? दो साल बड़ा मुश्किल काम है यार. मैं तो हिम्मत ही टूट जाती है. 1 साल के बाद तो मुझे लगता है बस बोर हो गया यार. अरे पहले तो पता है मैं शोज बंद करवाने में एक्सपर्ट था मैं. तो जो शो में जाऊँ 2-3 महीने में शो बंद. मैंने कहा क्या हो रहा है यार, शोज बंद हो रहे हैं यार. मेरा तो प्रॉब्लम नहीं है. कौन सा क्या बोलते हैं वो जो लेके आ रहा हूं मैं. लोग बहुत मानते हैं वो जिंक्स ट्विंग्स. आई हैव सीन अ फ्यू पीपल हु आर वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट. मच बिफोर 2010 फ्रॉम 2007 आफ्टर फिर कोई है से लेके 10 के बीच में था. ठीक है. ओके. मैंने एनडीटीवी इमेजिन बंद करवा दिया. हां इमेजिन बंद करवा दिया. बंद करवा दिया. आई लाइक द वे यू से मैंने एनडीटीवी इमेजिन बंद करवा दिया. नो नो, आपकी वजह से बंद नहीं हुआ. वो अपने आप बंद हो गए. उनके अपने फाइनेंशियल डेट्स बहुत ज्यादा थे इस वजह से. पर मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कर रहा हूं इस शो तो बंद ही हो गई. व्हिच शो वाज दैट? ज्ञान गुरु. Okay. As a host, you were doing that. फिर बाद में फिर वो इरा आया जहाँ पे मतलब मैं उठाने भी लगा थोड़ा बहुत. तो thankfully थोड़ी सी मेरी किस्मत change हुई. लोगों ने मुझे बोला ऐसा इतना negative नहीं सोचते हैं. लोगों ने बोला. But were you also in any point of anxiety or stress or depression during that period because shows बंद हो रहे थे constantly? क्या अपने को self doubt आया? I have experienced loads of emotions in my life and all kinds of emotions, all kind of bad emotions as well. Okay. Like depression, anxiety, frustration. ये सारी चीजों से जूझ चुका हूँ मैं. And I feel that was my acting experience. That was your life experience. Life experience which I converted into acting. Incorporated into your acting and craft. That's when I experienced each and every emotion. Emotion. You know, when I did Kishore Namit acting classes, when I used to do enact scenes over there, एक कुछ ऐसे कुछ सीन था जहाँ पे मतलब वो
बोले जा रहा है कि यू नो मैं अपनी आवाम को अपनी कौम को मैं यहाँ से मतलब बचने नहीं दूंगा. व्हेनेवर आई यूज्ड टू डू दैट पीपल यूज्ड टू लाफ. तो सब मुझे बोलते थे कि तूने ना लाइफ में कोई कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है. तेरी लाइफ ना बहुत कंफर्टेबल रही है. देखो सब कुछ मिला है अपने खानदान से. दैट इज व्हाई यू डोंट हैव दैट इमोशन इन यू. यू डोंट हैव दैट पेन एंड डेप्थ. तो मुझे लगता था कि यार मैंने कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना. हाउ टू एक्सपीरियंस. सो आई लेट माई सेल्फ लूज. ठीक है I want to experience all the emotions. ठीक है मैं I want to go deep down inside me. But was it a conscious decision या अपने आप ही हो गया? No, I just accepted in my heart that I want to experience all the emotions and life just started giving me those experiences automatically. Okay. Achha, you accepted it and that's how the life started giving. So there was a probably a block or a barrier in front of me which I opened and it just rushed into me. नेगेटिविटी तो मतलब बहुत प्यार से आती है आपके पास. करेक्ट. पॉजिटिविटी बहुत मुश्किल से आती है. पॉजिटिविटी बहुत मुश्किल से आती है. मेरी आशिकी के टाइम पे आई वाज लिविंग इन अ वेरी डिसेंट फ्लैट. यू हैव कम टू माय फ्लैट. नॉर्मल मैं अच्छे से रह रहा था. एंड मेरी आशिकी रोल वाज द कैरेक्टर रणवीर वाघेला वाज वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट कैरेक्टर फॉर मी बिकॉज वो एक गरीब खानदान से ड्राइवर का भी बेटा. मुझ में वो गरीबियत नहीं झलक रही थी. मेरे से भी नहीं झलकती. मतलब वो जो हाव भाव से भी नहीं फील हो रहा है. मतलब यू आर जस्ट लाइक यू नो अ मैचो मैन टाइप से बिंदास बात. ये नहीं कोई गरीब लोग ऐसे बात नहीं करते. देयर ऑलवेज सबमिसिव. देयर ऑलवेज इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से ना. या सो आई शिफ्टेड माय होम टू अ वेरी स्मॉल वन रूम किचन फ्लैट. आई स्टेड देयर फॉर 3 मंथ्स व्हाइल आई वाज शूटिंग फॉर द शो. ओके. सो दैट आई कैन जस्ट गेट इनटू द कैरेक्टर. मतलब मैंने सारे जितने भी मेरे हेल्पर्स थे सबको मैंने हटा दिया. ड्राइवर को भी मैंने भेज दिया. एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग रणवीर वाघेला. What was the change that you experienced? मैं खुद अपने कपड़े धोता था, खुद खाना अरेंज करता था, खुद सब कुछ. क्योंकि मैंने मेरे को सब कुछ प्लेटर में मिला है ना हमेशा. तो मुझे पता ही नहीं है वो सब कैसे होता है. जो एक्टर्स नए जो आते हैं बाहर से दे आर यू नो स्टेइंग विद अदर पीपल अदर एक्टर्स. तो उनको भी सब कुछ खुद करना पड़ता है. कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर नजर आती है. तो वो मेरे चेहरे पर नजर नहीं आती थी. मेरे चेहरे पर एकदम रिलैक्स्ड स्टेट निर्वाणा ही अचीव कर लिया मैंने. तो जब पैकअप होने के बाद जो सेटिंग दादा सब सामान गाड़ी में डालते हैं ट्रॉली लीड मुझे बोला. फिर मुझे लगा कि नहीं मैं प्रॉब्ली मेरे ऐसा होली ऐसा मतलब दिस इज माय अचीवमेंट कि इसने मुझे बिलीव समझा. मैंने कहा वेरी गुड मैं इनको उठा के दूंगा. और वो थोड़े से बुजुर्ग टाइप भी थे तो फिर मैंने उनको ट्रॉली उठा के दी. और फिर उन्होंने मुझे देखा रही तो अपना बच्चा सॉरी सर सॉरी सर सॉरी सर करने लगे. मैंने कहा नहीं नहीं आप लो उठा के मैंने उनको दिया. दैट्स व्हेन आई फेल्ट द अचीवमेंट. बट दैट इज इमेंस डेडिकेशन फॉर अ टेलीविजन शो. आई मीन फिल्मों के लिए समझ में आता है. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अगर मैं टेलीविजन में अगर मैं इतना मेरे में डेडिकेशन आ जाता है तो फिल्मों में तो मतलब यू विल ऑब्वियसली जो दायरा है आपका बहुत बड़ा बढ़ जाता है. हाँ. और आपकी मेहनत भी बढ़ जाती है और वो दिखती भी है फिर बड़े पर्दे पर. मुझे बताओ फिल्में जो हैं ओवरसीज ट्रैवल करती हैं और ओवरसीज देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर देम. आपके टेलीविजन शोज ने ओवरसीज में तो धमाल मचा रखा है एज फार एज इंडोनेशिया इज कंसर्न्ड. व्हाट इज दैट. दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग. आई मीन दैट्स समथिंग क्रेजी. मुझे लगता है ये आई थिंक आपने सोचा भी नहीं होगा ये उससे भी कहीं ज्यादा ऊपर और कहीं ज्यादा बाहर है. एक्चुअली जब मैंने शो किया ना वही टाइम पे मेरा शो इंडोनेशिया में टेलीकास्ट हो रहा था. मेरी आशिकी तुम से है द सेम शो राइट. एंड सोशल मीडिया का बूम शुरू हुआ था 2014 में. तो वहां पे इंस्टाग्राम में मुझे काफी सारे मैसेजेस आने लगे. दैट्स व्हेन आई केम टू नो दैट द प्रोड्यूसर्स ऑफ द चैनल दे केम टू इंडिया एंड दे मेट मी एंड दैट्स व्हेन दे टोल्ड मी दैट आपकी बहुत ज्यादा उधर फैन फॉलोइंग आप प्लीज एक बार आओ वहां पे. देन आई टुक आउट टाइम आफ्टर झलक एंड देन आई वेंट देयर. बट देन आल्सो मुझे लगा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा. मी एंड राधिका एक्चुअली वी बोथ वेंट. राधिका मदन. राधिका मदन. एंड वहां तो कपड़े फट गए हमारे. चीरपाड़ हो रहा था. मतलब कि भाई हेलो टेलीविजन एक्टर व्हाट यू गाइस आर डूइंग यू नो व्हाई यू गाइस आर मेकिंग अस फील आई नो लाइक शाहरुख खान. हजम ही नहीं हो रहा था. द ओनली टीचर व्हिच हैज बीन इन माय लाइफ इज ऑडिशंस एंड डूइंग दीस स्मॉल कैरेक्टर्स. इतना एक इंसान को आप अपने सेंटर ऑफ लाइफ बना देते हो कि आप खुद को ही खत्म कर देते हो. मेरा पर्सनल मानना है अगर आप किसी से प्यार करो तो 70% करो. तो आप ये रिमोट कंट्रोल का बटन कभी मत देना उस इंसान को कि वो आपको एक बटन में उड़ा सके. आप प्यार करो बेशक उससे सारी चीजें जो लॉयल्टी के साथ निभाओ अपना रिलेशनशिप. Amu always says that it's been 16 years we're together. She says, जब तक मैं हूँ, I just want to bring a smile to your face. फिर से most wanted. Please play. I wasted my time doing. Not taking my time seriously. मैं ऐसे discussions बहुत करता हूँ लेकिन कई बार होता है ना जो heart to heart connection नहीं हो पाता है. So you took out those deep things from me which I haven't said anywhere. So, how nice. Thank you for getting those things out of me. बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, are you becoming a motivational speaker or something? ऐसे अगर motivational speaker बनना होता,
तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम शेयर एंड ग्रो नहीं होता, इसका नाम वी शेयर वी ग्रो नहीं होता, इसके सब पोस्ट में सब मेरा नाम होता सब जगह। आई एम श्योर यू मस्ट बी वांटिंग टू सी मोर एंड द मोर इज नॉट हियर, द मोर इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, इट विल गाइड यू टुवर्ड्स माय फेसबुक पेज, सो द होल एपिसोड इज ऑन द फेसबुक पेज एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली क्रिएटेड सो दैट यू कैन गो टू माय फेसबुक पेज एंड वॉच द होल एपिसोड।